पीली किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। बता दें, आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर और मूंगफली की। साथ ही चीनी, आम और हरी मिर्च पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बता दें आपको कि भाव पर चर्चा के लिए बाजार के जानकार साहिल गोयल से भी होगी बातचीत। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। धान के बाजार में रौनक का माहौल, ज्यादातर मंडियों में बढ़त के साथ हुआ कारोबार। आइए बात करते हैं धान के बाजार की ही। बता दें आपको कि गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान का जो कारोबार है बढ़त के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में नरमी भी नजर आई। हालांकि धान का भाव सीमित दायरे में ही बना हुआ है। वहीं इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक भी बनी हुई है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। गुरुवार को धान के बाजार में रौनक देखी गई। ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 27 जुलाई को धान का भाव रहा 1550 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 10 रुपए की मजबूती के बाद 1560 रुपए पर पहुंच गया। यहीं के लखीमपुर मंडी में भी 10 रुपए की तेजी देखी गई। 28 जुलाई को यहां धान का भाव 1800 रुपए था, जो 29 जुलाई को 1810 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही सुल्तानपुर मंडी में 27 जुलाई को धान का भाव रहा 1665 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 5 रुपए की बढ़त के बाद 1670 रुपए हो गया। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में धान नरमी के साथ कारोबार करती नजर आई। 27 जुलाई को धान का भाव रहा 1960 रुपए, 28 जुलाई को ये 20 रुपए गिरकर 1940 रुपए रह गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12,96,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। वहीं बात चावल के निर्यात की करें तो एपीडा के मुताबिक भारत ने साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान करीब 16,72,776 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान बासमती चावल के निर्यात में कमी देखने को मिली। अप्रैल में बासमती चावल का निर्यात 3,18,503 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 3,58,285 टन का रहा था। वहीं बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाले गैर बासमती चावल का निर्यात घटा है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 3,32,226 टन की कमी देखने को मिली है। साल 2022 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 13,54,273 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 16,86,499 टन का हुआ था। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जाना कि धान के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है। ज्यादातर मंडियों में हमने यहाँ पर तेजी का ही माहौल देखा है। हालांकि कुछ में सीमित दायरे में भी कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। निर्यात में कुछ कमी जरूर आई है, तो ऐसे में हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, जहां अच्छे दाम मिलते हैं। बिकवाली करके चलिए, मुनाफा वसूली आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। गुजरात की जंबूसर मंडी में 100 रुपए लुढ़का अरहर का भाव, कुछ मंडियों में आई मामूली तेजी।
उठापटक के साथ हुए मूंगफली के सौदे, गुजरात की राजकोट मंडी में 300 रुपए उछला बाजार भाव। बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरहर के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। कई मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। तो कैसा है इसका बाजार, बताते हैं आपको। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट पर गुजरात की जंबूसर मंडी में 27 जुलाई को अरहर का भाव था 5,300 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 100 रुपए की नरमी के बाद 5,200 रुपए रह गया। यहीं की राजकोट मंडी में 27 जुलाई को अरहर का भाव रहा 6,240 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 6,250 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 27 जुलाई को अरहर का भाव रहा 6,540 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 6,550 रुपए पर आ गया। यहीं की गाजियाबाद मंडी में 27 और 28 जुलाई को अरहर के सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,550 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 11 महीनों के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जाना आपने अरहर के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इसकी जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है बाजार में, जानकारी के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का रुख कर लेते हैं, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। यहां पर हम अरहर के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे, आगे किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं इसके बाजार में हम। जी बिल्कुल, अगर हम अरहर की बात करते हैं तो गत सप्ताह हमें एक मिला जुला रूप देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अरहर के भावों में भी हमें कुछ खास तेजी या मंदी होते हुए हमें दिखाई नहीं दी है। इसके अलावा देखते हैं हम निर्यात भी जो है पहले से हमें थोड़ा सा स्थिर ही होता हुआ दिखा है। मंडियों के अंदर आवक भी बिल्कुल स्थिर रूप से ही बनी हुई है, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा कोई तेजी या मंदी की उम्मीद अभी आने वाले समय में भी नहीं लग रही है। बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा ही आप कह रहे हैं कि बना रह सकता है, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं इसमें एक आंशिक तेजी की सलाह दूंगा। इसमें कुछ हमें ज्यादा तेजी या मंदी की उम्मीद नहीं लग रही है, एक आंशिक तेजी 2-3% तक की इसमें रह सकती है। बिल्कुल, तो 2-3% तक की आंशिक तेजी का अनुमान है यहाँ पर, तो ऐसे में किसान बिकवाली करके चलेंगे तब तो निश्चित तौर पर अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं। बात हो गई अरहर की, बढ़ते हैं आगे सेब के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर, और बात होगी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की। बता दें आपको सेब का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 3,000 रुपए। वहीं अगर हम पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,300 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 6,000 रुपए पर। और इसके साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की बात करते हैं, बता दें आपको यहां बिकवाली हुई 6,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में सेब के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ बता दें वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना।
आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम चीनी का हाल, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें आपको कि गुरुवार को अधिकांश मंडियों में मूंगफली के जो सौदे हैं उठापटक के साथ हुए। राजकोट मंडी में 300 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, तो वहीं मैनपुरी मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। मूंगफली के कारोबार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। गुरुवार को मूंगफली के सौदों में उतार चढ़ाव देखा गया। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में बड़ा उछाल आया है। एगमार्क नेट के अनुसार यहां 27 जुलाई को मूंगफली का भाव 6,225 रुपए था, जो कि 28 जुलाई को 300 रुपए बढ़कर 6,525 रुपए हो गया। यहीं की धोराजी मंडी में 27 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 105 रुपए बढ़कर 6,105 रुपए हो गया। वहीं राज्य की धूल मंडी में 27 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,900 रुपए, जो कि 28 जुलाई को 10 रुपए गिरकर 5,890 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 27 जुलाई को यहां मूंगफली 5,100 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 28 जुलाई को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 5,000 रुपए रह गया। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में 1,57,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर इनकी पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ये 3,59,46,000 टन थी। बता दें कि हाल ही में इपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में 4,000 टन से भी ज्यादा की कमी आई है। साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 45,165 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ये 49,984 टन रहा था। तो मूंगफली के बाजार में आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, मूंगफली के बाजार में जिस तरह की परिस्थितियां हाल फिलहाल में बनी हुई हैं, क्या ऐसी ही रहेंगी या फिर इसमें कुछ बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम मूंगफली की बात करते हैं, देखिए मूंगफली के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अगर आप इसके उत्पादन को भी देखते हैं तो उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और निर्यात भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। निर्यात की स्थिति इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं आने वाले समय में सीजनल डिमांड भी इसकी जो है अच्छे से निकल कर आने की पूरी तरह उम्मीद है। इसलिए अगर कोई किसान अगर इसमें भंडारण क्षमता रखते हैं तो अक्टूबर नवंबर के आसपास हो सकता है इसमें हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो अनुमान है कि अक्टूबर और नवंबर के आसपास इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार सही रहेगा ऐसे में? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मूंगफली में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। अगर भंडारण क्षमता है उनमें और वो अक्टूबर समय तक का इंतजार कर सकते हैं तो अक्टूबर के आसपास जो है मूंगफली के अंदर हमें 7-10% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो देखिए 7-10% तक की तेजी का अनुमान है हमारे किसानों के पास। अगर भंडारण क्षमता है तो आप बेझिझक यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें, क्योंकि आगे अच्छे दाम आपको मिल सकते हैं। मूंगफली की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे पपीते के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर, और बात होगी यहाँ पर पंजाब की गढ़शंकर मंडी की। बता दें यहाँ पर पपीते का बाजार भाव रहा 2,500 रुपए। इसके साथ ही अगर राजस्थान की जोधपुर मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे हुए 1,200 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,930 रुपए, और यहीं की गाजियाबाद मंडी की बात की जाए, बता दें आपको बिकवाली हुई 2,050 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
पपीते के बाद बात करते हैं अनार के बाजार भाव की। बात करेंगे पंजाब की गढ़शंकर मंडी की। बता दे बाजार भाव रहा 4,500 रुपए। जी हाँ, बिकवाली हुई 4,500 रुपए पर। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में सौदे हुए 5,500 रुपए पर। और बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो बता दें यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 6,400 रुपए पर। तो यहीं की लखीमपुर मंडी में बिकवाली हुई 6,680 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो पपीते और अनार के बाजार भाव के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। देश के अलग अलग मंडियों में क्या हाल बना हुआ है ये आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं चीनी की, और चीनी की भी बता दें आपको बाजार भाव पर आपको सबसे पहले जानकारी देंगे चीनी के। तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में चीनी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,720 रुपए। और यहीं की हम लखीमपुर मंडी में बात करते हैं तो चीनी के सौदे 3,540 रुपए पर दर्ज किए गए। वहीं अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद मंडी की तो भाव रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत को दुनिया में दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करते हैं तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। और वहीं अगर हम बात करते हैं 2017-18 की, बता दें आपको यहां पर इस दौरान जो चीनी का निर्यात है 5,225 करोड़ रुपए का हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं साल 2018-19 की तो इसके दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और ये 9,523 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। जबकि साल 2020-21 की बात करते हैं तो इस दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और ये 20,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। तो देखा आपने, साल दर साल यहां पर बढ़ोतरी हो रही है। गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख टन चीनी की खपत का अनुमान जताया गया है। तो निर्यात में लगातार हमने बढ़ोतरी देखी है, तो इन परिस्थितियों का असर आगे कैसा रह सकता है इसके बाजार भाव पर जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, चीनी के बाजार भाव पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, चीनी की अगर हम बात करते हैं, देखिए चीनी का जो निर्यात है वर्ष दर वर्ष हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। गत अगर हम 7 वर्षों की भी बात करते हैं तो वर्ष दर वर्ष हमें निर्यात जो है ऑन एन एवरेज 10% के हिसाब से हम देखते हैं हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन भी जो है इसका जो हमें अच्छे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उच्च गुणवत्ता के कारण इसके भावों को भी मिल रहा है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी के कारण सदा ही जो है इसके अंदर एक तेजी बनी हुई रहती है और सीजनल डिमांड जो भी आने वाले समय में अक्टूबर के आसपास से हमें शुरू हो जाएगा तो हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही स्तर पे हमें इसकी डिमांड में एक तेजी देखने को मिलेगी, इसलिए इसमें जो एक आंशिक तेजी आने वाले समय में आ सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी यहां पर आ सकती है ये अनुमान जताया जा रहा है आगे आने वाले समय में। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किसानों को? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चीनी के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। फेस्टिवल सीजन अभी आने वाला है और निर्यात को जिस तरीके से बढ़ रहा है आने वाले समय में हो सकता है चीनी के अंदर हमें 2-6% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आगे त्योहारी सीजन आने वाला है, ऐसे में चीनी के बाजार भाव में हम कुछ बढ़ोतरी की ही उम्मीद जता रहे हैं। किसान थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा रुक कर बिकवाली करेंगे तो अच्छे दाम अर्जित कर पाएंगे चीनी के। बता दें इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम हरी मिर्च और आम का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल,
विशेषज्ञों के जवाब अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। फिर के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं हरी मिर्च के बाजार की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। गुरुवार को गुजरात की सूरत मंडी में बता दें कि हरी मिर्च का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3000 रुपए। वही बात करते हैं पंजाब की रैया मंडी की, तो यहाँ पर सौदे हुए 2100 रुपए पर। और साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहां बिकवाली दर्ज की गई 2350 रुपए पर, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3000 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जानकारी दें आपको कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वहीं इस साल हरी मिर्च की पैदावार में जरूर कुछ कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में कहा गया है कि साल 2021-22 में हरी मिर्च की पैदावार 42,72,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का आंकड़ा 43,63,000 टन का था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले करीब करीब 1,00,000 टन कम हो सकती है। तो पैदावार में इस बार कमी देखने को मिल सकती है, इसका असर किस तरह से रहेगा बाजार भाव पर, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, हरी मिर्च के बाजार भाव पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम हरी मिर्च की बात करते हैं तो देखिए हरी मिर्च की जो आवक है वो मंडियों के अंदर सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके पैदावार में भी अगर हम देखते हैं तो बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। निर्यात की भी जो स्थिति है वो पिछले वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है। सीजनल डिमांड निकल कर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भारतीय हरी मिर्च की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा अच्छी है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अरब कंट्रीज के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसकी अच्छी खासी डिमांड है, और अभी सीजनल फेस्टिवल को भी अब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें जो तेजी वो जारी रहेगी। बिल्कुल, तो इसमें जो तेजी का माहौल है ये आगे बना रह सकता है, तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं, क्या कहेंगे आप उन्हें? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं हरी मिर्च में तेजी ही की ही सलाह दूंगा। फेस्टिवल सीजन के कारण हो सकता है कि इसमें जो है तेजी जारी रहे और आने वाले समय में 5% तक की तेजी यहां से हमें और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। यहां पर किसान त्योहारी सीजन आ रहा है जिसके चलते बढ़ोतरी हो सकती है बाजार भाव में, उसका फायदा उठा सकते हैं हमारे किसान। बढ़ते हैं आगे खीरे के बाजार भाव पर, डाल लेते हैं एक नजर। गुजरात की सूरत मंडी की करेंगे बात तो बता दें खीरे का बाजार भाव रहा 1,625 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके दर्ज किए गए 2000 रुपए पर। और इसी के साथ अगर हम बढ़ते हैं आगे बात करते हैं राजस्थान की उदयपुर मंडी की, बता दें यहां पर बाजार भाव रहा 2600 रुपए। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, बता दें आपको यहां पर बिकवाली हुई 1,750 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। खीरे के बाद बात करते हैं नींबू के बाजार भाव की। बता दें गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,250 रुपए। पंजाब की जलंधर मंडी में बिकवाली हुई 2,200 रुपए पर, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 3,000 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं, बता दें यहां पर सौदे हुए 1,850 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो खीरे और नींबू के बाजार भाव आपने जान लिए। बढ़ते हैं आगे बात करते हैं आम के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में आम की जो आवक है वो कम होने लगी है, अब धीरे धीरे इसमें कमी देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की उदयपुर मंडी में आम का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,000 रुपए। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर राजस्थान की मंडी की बात करते हैं तो सौदे दर्ज किए गए 5,000 रुपए पर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 4,000
₹200 पर। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब की गढ़शंकर मंडी की, तो इस दौरान आम के सौदे दर्ज किए गए ₹4,500 पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मैं बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर आम की ज्यादा पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी बागवानी फसलों के दूसरे आकलन के मुताबिक देश भर में इस साल कुल आम की पैदावार 2,10,11,000 टन होने का अनुमान है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान आम की जो उपज है 2,03,86,000 टन की रही थी। यानी इस साल देश में आम की पैदावार में 6,25,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें आपको कि भारत विश्व में आम के गूदे का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2020-21 के दौरान 98,369.74 टन आम गूदा निर्यात किया है, जिसकी कीमत 714.41 करोड़ रुपए दर्ज की गई। तो आम के बाजार पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, आम के बाजार में किस तरह की स्थिति रह सकती है आगे आने वाले समय में? साहिल जी, आम के बारे में आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे, आगे आने वाले समय की बात करते हैं, तो इसके बाजार भाव किस तरह से रह सकते हैं? लगता है साहिल जी से किसान भाइयों को मैं किस आम के अंदर बिकवाली की सलाह दूंगा। इसमें हो सकता है 7-10% तक की गिरावट और आ जाए, इसलिए आम के अंदर बिकवाली करने की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए आगे इसमें बिकवाली की सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट, क्योंकि कमी का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने अलग अलग जिनसों के संदर्भ में सभी दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आम की बात हो गई, आइए अब आखिर में नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर, और बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। बता दें प्याज का बाजार भाव रहा ₹1,200। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बिकवाली हुई ₹1,300 पर, जबकि अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जयपुर मंडी की, तो यहां पर सौदे हुए ₹800 पर। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी की हम बात करें तो यहां बिकवाली हुई ₹1,600 पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है, और साथ ही आपने अलग अलग जिनसों के बाजार का हाल भी जान लिया। बता दें इसके साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।